जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर एग्जाम छूट चुका है। आज हमारे साथ में सर, शुभ नाम आपका? ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा जी हमारे साथ में, सर कितना स्कोर किया आपने? 125 नंबर इन्होंने स्कोर किया है। तो क्या बोलेंगे आज का पेपर का लेवल कैसा था, हार्ड इजी या मॉडरेट? लेवल तो था क्वेश्चन का पेपर है इसका, थोड़ा मतलब क्या कि लेवल था, मैथ्स भी थोड़ी लेंदी थी, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि हाँ देख के बन जाएंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तब और लेंदी जाते हैं और लेंदी जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का क्या वेटेज रहा? मतलब 25-25 से ज्यादा थी वैसे, मतलब लगभग 55-60 की समथिंग थी ये दोनों। तो पोर्शन वाइज आ रहे हैं या मिक्सअप आ रहा है पेपर? नहीं पोर्शन वाइज, मतलब ऊपर वो ऑप्शंस नहीं दे रहे अलग अलग करने का, मतलब जैसे 25 ही आए, फिर 25 दूसरे स्टार्ट होंगे, फिर 25 दूसरे स्टार्ट होंगे, मतलब मिक्सअप नहीं आ रहे। हाँ मिक्सअप पर्टिकुलर मैथ्स रीजनिंग ऐसे आ रहे, ऐसे छपलिंग होके नहीं आ रहे। मैनेजमेंट का क्या रोल रहा? मैनेजमेंट के क्वेश्चन तो काफी थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन ही बैठे थे, बाकी लेवल हार्ड आ रहा था उसका। लेवल था मतलब बच्चे बोल रहे हैं मैनेजमेंट में समझ भी नहीं आ रहा कुछ, क्या रहा समझ में? तो क्या है देखो, ऐसा है कि अब कुछ वो थी जैसे अपन ने ज्यादातर वो याद करा था कि जैसे इसने क्या कहा था, कथन देते ना वो जी। वो कुछ नहीं पूछा। फिर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक तो क्या था, 3-4 लाइन में दे दिए, अब उनको पढ़ो तो समझ में टाइमिंग हमारा। हाँ टाइमिंग का बहुत, 2-3 घंटे आपको करेक्ट रहा या 3 घंटे से सफिशियंट है पेपर के हिसाब से? सफिशियंट रहे। और एमपी से कुछ क्वेश्चन देख रहे? एमपी क्वेश्चन थे लगभग 4-5 क्वेश्चन थे एमपी जी के, 4-5 क्वेश्चन। तो कुछ एक दो क्वेश्चन बताएंगे आप किस लेवल, मतलब क्या? जैसे अभी एमपी में एक क्वेश्चन वो था अपने, जैसे उज्जैन में वो होता है अपने सीएस लगता है वो था जी। और एक और क्वेश्चन था डुमना एयरपोर्ट किधर है? डुमना जी। ठीक है, और कैसा रहा सर पेपर आपका? ऐसे लगता है जैसे क्वेश्चन थे अच्छे थे, क्वेश्चन भी अच्छे थे एमपी के। तो और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था, उसमें पूछ लिया था कि जैसे जो अपने एमपी का जो सबसे साउथर्न में कौन सा वो आता नेशनल पार्क। अच्छा, करंट से क्वेश्चन देखने को मिला? करंट क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। जैसे एक वो पूछा था सिंगापुर का जो एक वो कुछ एक आयोजन था अपने अपने एमपी में हुआ था, तो कितने टाइम पीरियड में होता है हर बार, अच्छा ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। तो ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला आपको? हाईएस्ट स्कोर तो देखो अभी 130 भी बैठा था मेरे पास में, एक लड़की थी उसने 130 मारा था। अच्छा, 125 मेरे थे, 107 भी था ऐसे, बाकी कोई 50 के आसपास भी है। तो आने वाले स्टूडेंट क्या बोलना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी के साथ प्लान करके आना चाहिए, कैसे क्या पढ़ाई? मॉक टेस्ट लगाते थे आप? क्या मॉक टेस्ट? मैंने टेस्ट बुक के लगाए थे। टेस्ट बुक लगाए थे, क्या स्कोर आ रहा था उसके अंदर? लगभग ही बैठा था 110-115, मतलब वही सेम स्कोर यहाँ पर आया। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ मैसेज आपका? मैथ्स देखो लेंदी आ रही है, तो मैथ्स में ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे फंसाने वाले, जिससे अभी सीआई ऐसे के क्वेश्चन क्या बहुत सिंपल लगते हैं जी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या रेट्स क्या होती है कि ऐसी, अब जैसे दूसरे अपन एग्जाम देते हैं एसएससी वगैरह के, तो उसमें क्या रेट ऐसी देती है कि तो आराम से कट जाती है, इसमें ऐसे आ रही जो कटती नहीं है, मतलब मैथ्स का लेवल। हाँ, मैथ्स लेवल नहीं बोल सकते अपन, उसमें कैलकुलेटिव आ रही है। हाँ मतलब अपन क्वेश्चन रिव्यू देखे थे आपने पेपर? हाँ 15 शुरू के 2-3 देखे थे, लगभग वैसे ही आ रहा है, लगभग वैसे ही लग रहा है, चेंजेस नहीं हुआ, नहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। शुभ नाम आपका? संतोष जी, क्या स्कोर रहा आपका? 72। तो क्या बोलेंगे पेपर, मॉडरेट इजी या हाई, क्या लेवल लगा आपको? देखिए मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, इसलिए मेरी जॉब करते हैं, पढ़ाई इतनी हो नहीं पाई, फिर भी 72 स्कोर करा है। अच्छा 72 स्कोर किया, तो पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर का लेवल तो अच्छा है। अच्छा है। मैथ्स रीजनिंग के कितने क्वेश्चन देखने को मिले आपको? मैथ्स वैसे मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं करा है। तो इसके पहले भी दिया था पटवारी का पेपर आपने? 2017 में दिया था, फिर उससे तो लेवल बहुत ज्यादा अलग हो गया। अलग हो गया। उस टाइम कितना स्कोर किया था आपने? 100 में से मैंने करा था 52। ओके सर, थैंक यू। फोन से थोड़ा होल्ड कर देना सर। सर शुभ नाम आपका? हाँ सर। आपका? आकाश अहरवाल। आकाश जी कितना स्कोर किया आपने? 121 जी। तो कैसा रहा पेपर का लेवल? पेपर का तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डीप दिया उनने, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उनका डायरेक्टली इंटरनली बहुत ज़्यादा डीपली पूछा, ज़्यादा कुछ करंट अफेयर से ज़्यादा वेटेज था नहीं जी, सिर्फ मैनेजमेंट ज़्यादा थ्योरी बेसिस का, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आपको पढ़ने में 2-3 मिनट लगेगा, 4 ऑप्शन इतने गंदे हैं, पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है होगा आराम से, लेकिन मैनेजमेंट में आप प्लानिंग पढ़ लीजिए, प्रबंधन पढ़ लीजिए, कुछ कुछ जो टेलर है ह्यूमन है इनकी थ्योरी पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, और सबसे ज़्यादा रही है एमबीए वाला सब्जेक्ट जिसने पढ़ा हुआ मैनेजमेंट, थोड़ा सा जो अपन इनपुट से देते हैं ना, इनपुट किस बेसिस पे मिलता है ये बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आया क्या था, मैं तो फिर भी लगाया, और करंट अफेयर का था नहीं, एमपी जीके का ज्यादा था नहीं, मैथ्स रीजनिंग ये मान के चलिए 60-70 मेरे हिसाब से 70 में अहम रोल रहेगा, सबसे ज्यादा मैथ का प्रोपोर्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
और बाकी तो साइंस के ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आई नहीं है, कोई नाम ज़्यादा आई नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो डेली बेसिस पे जो जो होता ना, और ये बायोडाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन और मैनेजमेंट थोड़ा सा। तो ओवरऑल हाई स्कोर कुछ आइडिया है आपको क्या? हाई स्कोर 130 गया आप सोच सकते। 130 आज का हाई स्कोर? हाँ, मेरे मतलब दो लैब थी ना, R2 R3 में 130 थे, एक बंदे का 128 मतलब। और मेरे को नहीं लग रहा कि 130 अगर है दो लैब का तो एक और लैब हो सकता है 140 मान के। तो आने वाले स्टूडेंट का कुछ मैसेज आपका? मैसेज सर तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सर व्यापम का सब्जेक्ट नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि व्यापम का आप समझ सकते हैं आज क्या है कल क्या आएगा कोई वो नहीं है। आप स्टार्टिंग में 15 से 20 तारीख में देखिए बहुत इजी आया, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत आसान से आए, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। मेंसुरेशन के नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री के बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्यादा सिंपल इक्वेशन अप्रोक्सीमेशन। मैथ्स इजी है लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा, कैलकुलेटिव ज्यादा, टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा, तो आपको 3 घंटे में हो गया था या टाइमिंग? नहीं, टाइम पर मेरे को कम से कम, टाइम तो देखो पड़ ही जाता है, हर किसी को टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन ठीक। तो लेकिन मेरा मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था। ओके जी, तो दोस्तों आपने देखा कि आज का कैलकुलेशन मैथ्स ज्यादा, मैनेजमेंट थोड़ा सा फोकस ज्यादा आपके लिए, बाकी वही क्वेश्चन आपके एमपी करंट से क्वेश्चन कंटिन्यू यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो बने रहिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और लेवल थोड़ा सा आप बढ़ा के आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 100% आप मान के जल्द से लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि 15 तारीख से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा मिलेगा। आप मिलते हैं आपसे के लिए। जय हिंद, जय भारत।